कलयुग आ गया, सारी व्यवस्था को बिगाड़ देता है। महाराज यहाँ लिखा है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा। कलयुग की आयु मालूम है कितनी आप लोगों को? कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष की इसकी आयु है कलयुग की, और उसमें से अभी 5,300 वर्ष गया है। 4,32,000 वर्ष में 5,300 वर्ष गया है, बाकी कलयुग अभी बाकी है। अभी तो कलयुग का समय बहुत बाकी है, लेकिन अभी प्रलय नहीं होगा। ये लोग जो फॉरकास्ट करते रहते हैं ना, 2013 2012 दिसंबर के लिए को किया था फॉरकास्ट ना, प्रलय होगा प्रलय होगा। हाँ, बहुत लोगों ने हमको फोन किया, बोले हम लोग वृंदावन आ रहे हैं, दिसंबर की फॉरकास्ट थी ना 21 22 23 तीन दिसंबर, तीन दिन का, बोले हम लोग वृंदावन आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले अब तो प्रलय होने वाला है तो वहीं आके शरीर छोड़ेंगे। मेरे को बहुत हंसी आई। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, इस डर से वृंदावन तो आ जाओगे, चलो आ जाओ कोई बात नहीं, प्रलय तो नहीं होगा लेकिन तुम आ जाओ वृंदावन। हाँ, तो ये तो वैज्ञानिक लोग अपना रिसर्च करते रहते हैं, अलग बात है, लेकिन प्रलय अभी करोड़ों वर्ष होने वाला नहीं। 4,32,000 वर्ष का भी कलयुग जाएगा, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। हाँ, अभी तो 28वां राउंड चल रहा है, 28वां राउंड, और ये 71 राउंड जब पूरे हो जाएंगे। जानते हो एक राउंड कितने कितने लाख वर्ष का होता है? भागवत में सारी काउंटिंग लिखी हुई है, 43,20,000 वर्ष का एक राउंड होता है, और 28वां राउंड चल रहा है। 71 राउंड जब पूरे हो जाएंगे तब जाकर के महाराज, कहीं आप सोचना तो बहुत अभी दूर है। हाँ, एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसके बाद रात्रि होती है। तो प्रलय वलय अभी होने वाला नहीं है, उपद्रव हो सकते हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं, भूकंप है, सुनामी है, वो एक अलग बात है। तो महाराज कलयुग के अंत में जब बहुत हाहाकार मच जाएगा, दुष्टों की बाढ़ आ जाएगी। हाँ, अभी भी थोड़ा बढ़ रहे हैं लेकिन कम ज्यादा होते रहते, दुष्टों की बाढ़ आ जाएगी, कथा कीर्तन बंद हो जाएंगे, हवन बंद हो जाएंगे, गो सेवा बंद हो जाएगी, तब भगवान का अवतार होगा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रदेश में संभलपुर नाम का एक गांव होगा, विष्णु यश शर्मा नाम का ब्राह्मण होगा, उसके बेटे के राम से बेटे के रूप में कल्कि भगवान का अवतार होगा, और वो घोड़े पर बैठ करके सारे दुष्टों का विनाश करेंगे, और उसके बाद सतयुग का आगमन होगा। ये सारा भागवत में भविष्य का लिखा हुआ है, और जो जो लिखा है वो सत्य होता है। हाँ,